फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पियोनिक ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों से ही याद करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है और अच्छे से समझना है। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई नई और बेहतर ट्रिक्स लेकर के आते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए उद्यान। उद्यान क्या होता है? उद्यान यदि आपको एग्ज़ाम समय में नहीं याद रहता तो उद्यान आप यह समझ लीजिए कि यह पार्क होता है। ठीक है, पार्क आपको इजीली याद रहेगा। यहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वह सभी हमेशा के लिए हमें याद रहेंगे। हम यहाँ पर जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं उससे हम हमेशा के लिए इनको याद रख पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इसके सभी राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है यह हो गया फूलों की घाटी। ओके, और सेकंड हो गया कार्बेट। ओके, यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कार्बेट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, बस आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं फूलों की घाटी और यहाँ पर कार्बेट। ओके, यह भी राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से आपको आगे अपने आप ही ऐड कर लेना या फिर इतना ही लिख लेना है। ओके, या फिर समझ लेना है। चलिए थर्ड देख लेते हैं अभी, नंदा देवी। ओके, फोर्थ है गंगोत्री, फिफ्थ है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, सिक्स्थ है राजा जी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ठीक है, अभी ये हो गए फर्स्ट फूलों की घाटी, सेकंड कार्बेट, थर्ड नंदा देवी, फोर्थ गंगोत्री, फिफ्थ गोविंद और सिक्स्थ राजा जी। ओके, तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। अभी ये देखिए किस प्रकार से आपको इजीली याद रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर इसको ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक है, यह हो गया फूलों का नक, क्या हो गया इसको कर लेते हैं गोरा। ओके, यह हो गया, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं उसके बाद इसको याद करेंगे। ठीक है, देखिए यह हो गया फूलों, फूलों से सीधा सीधा फूलों की घाटी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यह हो गया फूलों की घाटी। यहाँ पर का है, इसका यहाँ पर ले लेते हैं, का से हो गया यहाँ पर कार्बेट। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से सिक्वेंस दिया गया है इस प्रकार से यह ट्रिक है। ओके, ये सिक्वेंस में ही है। अब यहाँ पर है न से, देखिए नंदा देवी, ग से गंगोत्री। ठीक है, और यहाँ पर इस गो से गोविंद, और यहाँ पर इस रा से राजा जी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब देखिए इसको किस प्रकार से याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, यहाँ पर इनमें से कोई भी एक आपको राष्ट्रीय उद्यान दे दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, यह किस प्रकार से आपको याद रहेगा, या फिर यह भी पूछ सकता है कि यहाँ पर चार ऑप्शन होंगे तो उनमें से आपको यह पूछ सकता है कि इनमें से राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार से आपको याद रहने वाले हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान किसके हैं, उत्तराखंड के, है ना। ये क्या हो गया राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान अभी है क्या बताया था हमने, उद्यान का अर्थ होता है पार्क, है ना, पार्क ये होता है ना। पार्क में क्या होता है, फूल पेड़ पौधे, है ना,
घास फूस, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सभी चीज़ें होती हैं पार्क में, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या लिया, फूल। फूल ज़्यादातर कहाँ में देखे जाते हैं भैया, फूल आपको पार्क में ज़्यादातर मिलेंगे, है ना। कुछ पार्क ऐसे होते हैं जो फूलों के ही होते हैं, जिस प्रकार से फूलों की घाटी होती है ना, फूलों की घाटी में क्या है, फूल ही फूल हैं, तो वह है पार्क है ना, राष्ट्रीय पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आपको यह इजीली याद आएगी। तो फूल कहाँ होते हैं, पार्क में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान यानी कि पार्क। तो राष्ट्र के पार्क में क्या है कि फूल ही फूल हैं। ओके, अभी देखिए, फूलों का नग गोरा, यहाँ पर यह स्टार्ट कहाँ से हुआ, फूलों से। फूल कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान में, उद्यान यानी कि पार्क में। अब जब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होगा तो आपको पार्क याद आएगा, पार्क से आपको फूल याद आएंगे। अब फूल से स्टार्ट हो जाएगी यह ट्रिक, फूलों का नग गोरा। नग जिस प्रकार से आपको मालूम ही होगा, कोई रिंग होती है ना, और उस रिंग के अंदर क्या होता है, एक नग होता है ना। रिंग के अंदर क्या होता है, एक नग होता है। उसी प्रकार से जो फूल होते हैं, ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे से क्या होते हैं कि इसी प्रकार से बीज होते हैं, ठीक है, ये दाने होते हैं। तो यह जो दाने होते हैं या बीज होते हैं, यह इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक रिंग में नग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको भी क्या किया, फूलों का नग मान लिया। फूलों का नग कैसा है, गोरा। गोरा यानी कि जैसे बोल देते हैं काला और गोरा, तो यह वही गोरा है। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, फूलों का नग गोरा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से यह ट्रिक आपको इजीली याद आ जाएगी। देखिए, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान से आपको पार्क याद आएगा, पार्क से आपको फूल याद आएंगे, फूलों से यहाँ पर यह ट्रिक स्टार्ट होती है। उसमें फूलों में क्या होता है कि जो छोटे छोटे से बीज होते हैं ना, उनसे आपको नग याद आएगा, ठीक है। जिस प्रकार से रिंग में एक नग होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर इस फूल के अंदर काफ़ी सारे नग हैं, यानी कि जो इसके बीज होते हैं उनको हमने नग मान लिया है। तो फूलों का नग कैसा है कि गोरा है, गोरा यानी कि जो सफ़ेद, समझ लीजिए कि सफ़ेद है। ओके, जैसे कि दो कलर होते हैं ना, ऐसे गोरा और काला है ना, ठीक है, तो यह वही गोरा है। ओके, तो इस प्रकार से यह ट्रिक आपको इजीली याद आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसका सेकंड तरीका देख लेते हैं, हम इसको रिलेट करके कैसे याद रखेंगे। देखिए, यह है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है ना, उद्यान इनके पार्क, पार्क यहाँ पर यह फूलों की घाटी। तो फूल कहाँ पर मिलेंगे, उद्यान यानी कि पार्क में, फूल ज़्यादातर पार्क में मिलेंगे। ओके, यहाँ पर इसके उसी प्रकार रिलेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कार्बेट, कार्बेट से हमने क्या किया, कार को लिया है ना, यह है कार। कार में कहाँ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान में घूमने के लिए। आपको मालूम ही होगा कि जब भी हमें यहाँ पर उद्यान में घूमना होता है, ठीक है, इसकी सैर करनी होती है, तो वहाँ पर आपको एक कार में ही ले जाया जाता है ना, यानी कि एक जीप में ले जाया जाता है। तो जीप यानी कि कार, तो कार में ले जाया जाता है, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर है नंदा देवी, नंदा देवी यहाँ पर है, नंदा देवी, नंदा, ठीक है, नंदा देवी से क्या किया हमने, नंदा लिया, ठीक है। नंदा से क्या किया हमने, इसको नंदी कर लिया, ठीक है। यह नंदी कौन सी है, आपको मालूम ही होगा, शिव के पास में भी एक नंदी हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि एक गाय या फिर बैल हुआ करता था, जिसको नंदी का नाम दिया गया था, है ना। तो यह नंदी किससे रिलेट की है, गाय से, है ना, गाय या फिर बैल, जो भी आप ठीक समझे। तो यहाँ पर यह होगी गाय। यह कहाँ पर मिलेगी ज़्यादातर, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान यानी कि पार्क, तो यह पार्क में ज़्यादातर मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक गंगोत्री, गंगोत्री से क्या किया हमने, गंगा लिया है ना, यह हो गया गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर है गंगा, तो गंगा के पास में क्या है, एक उद्यान से क्या लिया हमने, पार्क। तो यहाँ पर गंगा के पास में क्या है, पार्क है, या फिर पार्क के पास से गंगा गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पर है गोविंद, ठीक है, यह गोविंद, गोविंद से क्या किया हमने, इसको गोविंदा कर लिया, ठीक है। तो गोविंदा, और यहाँ पर क्या है, उद्यान, उद्यान, ठीक है, उद्यान है ना, यह उद्यान। तो यहाँ पर हमने यान लिया, ठीक है, ये वाला यान, उद को छोड़ के यहाँ पर लिया यान। तो यान, यह एक यान है,
तो यहाँ पर ये कैसा अभियान समझ सकते हैं आप, तो इस यान से क्या करते हैं, गोविंदा सफ़र करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर है गोविंदा, गोविंदा का आप यूँ समझ सकते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनका नाम भी गोविंदा है ना, उनको गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण होते थे उद्यान, उद्यान यानी क्या पार्क है ना, होता है ना पार्क, तो श्री कृष्ण बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या करते हैं, गोपियों के साथ में घूमने या फिर मौज मस्ती करने के लिए कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजा जी, तो राजा के पास में क्या होता था, पार्क होता था। ओके, जिसमें वह घूमने जाया करते थे है ना, वह अपने पार्क में घूमने जाते थे या फिर उनके पास में पार्क हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको रिलेट कर लिया है। अभी देखिए, यदि आपको पार्क भी नहीं याद में आता है, यहाँ पर आपको सिंपली यह उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान ना, तो यहाँ पर उद्यान ही आपके माइंड में रहता है, तो अब इस राष्ट्रीय उद्यान से आप कैसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, देखिए यह उद्यान, देखिए उद्यान यह है ना, इस उद्यान का क्या किया हमने, यह उद यानी कि इसको हमने कर लिया उड, और यह यान, तो यह यान कैसे उड़ने वाला, ठीक है, एक उड़ने वाला यान है। ठीक है, अब देखिए उस उड़ने वाले यान को हम यहाँ पर किस प्रकार से रिलेट करें, तो यह उड़ने वाला यान है, यहाँ पर है फूलों की घाटी, तो उड़ने वाले यान से फूलों की क्या हुई, बरसात हुई। ओके, यहाँ पर है कारबेट, कारबेट से क्या किया हमने, यहाँ पर कार किया और यहाँ पर बेट किया, तो यहाँ पर एक कार की बेट लगी हुई थी, बेट यानी कि शर्त, ठीक है, एक शर्त लगी हुई थी कार की, किससे लगी हुई थी, उड़यान, उड़यान, तो उड़यान से यानी कि उड़ने वाले यान से, ठीक है, तो उड़ने वाले यान से एक कार की बैट लगी हुई थी यानी कि शर्त लगी हुई थी। ओके, तो यहाँ पर है नंदा देवी, तो नंदा से हमने क्या किया, नंदा से हमने क्या किया, नदी कर लिया, ठीक है, यह नदी है, तो यहाँ पर इस नदी के ऊपर से एक यान गुजर रहा है। ओके, जो उड़ने वाला यान है, और ये इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए गंगोत्री, तो यहाँ पर गंगा है, तो गंगा के ऊपर से भी क्या है, यान गुजर रहा है। ओके, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए गोविंदा, ये है ना गोविंदा, तो गोविंदा, गोविंदा से हमने क्या किया, गोभी लिया, गोभी से हमने क्या किया, गांव कर लिया, ठीक है, तो यान उड़ने वाला जो यान है वह कहाँ से गुजर रहा है, एक गांव के ऊपर से। ओके, अब देखिए यह राजा जी, राजा जी, राजा जी से हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए राजा लिया, ठीक है, तो वह यान किसका है, राजा का है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उस उड़ने वाले यान में कौन बैठा हुआ है, राजा बैठे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको तीन तरह से याद किया है, दो प्रकार से हमने रिलेट करके और यहाँ पर एक ट्रिक के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह ट्रिक आपको इजीली याद आएगी, राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान से पार्क याद आएगा, पार्क में फूल होते हैं, फूलों का नग होता है कैसा, गोरा, ठीक है, फूलों का नग गोरा, ठीक है, और बाकी हमने रिलेट करके उसको याद कर ही लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो आप हमारे वीडियो का लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।